यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। उप महापौर का ताज और कौन करेगा जनता के दिलों पर राज, इस खास पेशकश को लेकर मैं शालिनी मुखातिब हूँ आपके समक्ष। तो आप सभी दर्शकों को, जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार, जोहार। और मैं हूँ विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज यानी खबर की तह तह। दर्शकों बता दें कि नगर निगम चुनाव का अब वक्त बहुत करीब आ चुका है, यानी मतदान है सोमवार को और आज भोपू थम गया। बिगुल बजना और जोर शोर से जो प्रचार, चुनाव प्रचार प्रसार है, बिल्कुल वो थम सा गया है और बिल्कुल सन्नाटा सा है। लेकिन हमारे प्रत्याशी रुकने वाले नहीं है, दो दिन का वक्त जो उनके पास है, सन्नाटे के बीच चीरते हुए वो आपके घर तक आएंगे और दरवाजा खटखटाएंगे और बोलेंगे, माता जी बहन जी एक वोट मेरे नाम पर। और मौका हमें एक बार दे, लेकिन मौका जनता एक ही बार देती है और एक बार अगर वो मौका आपको देती है तो वो जितने सारे आपने वादे उनसे किए हैं वो आपसे पूछेगी और जानेगी और आपके दरवाजे पे जाएगी। उस वक्त आपका दरवाजा बंद ना। बिल्कुल, आप जो वादा कर रहे हैं, अधिकतर लोगों के जुबान पर यही बात है कि प्रत्याशी तो आ रहे हैं, तमाम प्रत्याशी उनके घर पर आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम वो चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतने के बाद उनका दरवाजा बंद रहता है, एक वो जनता से उनके मन में बैठा हुआ है। और ये बराबर ये बातें चौक चौराहों पर चर्चा का विषय आज के बन गया। शालिनी जी, हर कई कल कई ऐसे लोगों से जो रोड पर घूमते रहते हैं, रात में सड़कों पर कहीं चाय चौक पर चाय पी रहे हैं, वो अंडा खा रहे हैं, किसी तरह का चौक चौमीन खा रहे हो या फिर बिल्कुल अपने घर का हाल चाल पूछना और अपने दोस्तों अपने परिवार के बारे में पूछना तो भूल से गए हैं। जो भी एक चाय की चुस्की भी ले रहा है तो यही पूछ रहा है कि क्या हाल है, कौन सी पार्टी जीतने वाली है, कौन से प्रत्याशी को पसंद किया जा रहा है। और इसीलिए विकास जी मैं बार बार कहती हूँ कि आंखों देखी और कानों सुनी बातों को लेकर हम अपनी जनता के पास हाजिर हैं। बिल्कुल, और उन्हीं सब बातों को लेकर एक YouTube पर मैंने ये खबर डाली थी कि किसके सर सजेगा मेयर का ताज, तो किसी ने पूछा कि आपका सर्वे का तरीका क्या है। मैं बता दूँ दर्शकों की सर्वे का तरीका मेरा आपसे अलग नहीं है, हमारे यहाँ से संवाददाता की 8 टीम निकलती है और तमाम चौकों पर से वो घूमते हैं। तमाम लोगों को एक हमने टास्क दे रखा है कि हर चौक पर ये जरूर पता करें कि मेयर का वोट किधर किस ओर जा रहा है। 10 लोगों से एक लड़का पूछता है और फिर मेयर का और डिप्टी मेयर का भी बातें आती है, और साथ ही साथ हम प्रत्याशी वार्ड के बारे में भी पूछते हैं कि इस ओर किसका, और उसी रुझान को लेकर हम आपके बीच लाते हैं कि किसके तरफ जनता का रुझान हो रहा है। शालिनी जी, आज का रुझान हम चाहेंगे कि महापौर उप महापौर का रुझान किस ओर जाता है, आप बताइए। बिल्कुल वही, तीन दिन से क्या लगातार बातें हो रही है, रुझान की बात करें तो डिप्टी मेयर की बात कर दें तो एक बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा से परवेंद्र कुमार उर्फ बाबू, इनका तो जाहिर रहा है। साथ में हम कह दें कांग्रेस से मनोज सिंह और बीजेपी से राकेश कुमार उर्फ मंगल सिंह जी भी आमने सामने। आपको यहाँ पर एक इंटरप्ट करेंगे जी, इस लड़ाई में एक और शख्स भी धीरे से उभरा है, वो है सुरेश अग्रवाल जो व्यवसायी संघ से आते हैं, ये भी एक उभरता हुआ यहाँ पर सितारा दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बनी है, शुरू से जो परमेंद्र कुमार का स्थिति है कि वो आगे चले थे अकेला, कारवा बनता गया, वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, कारवा उनका और बढ़ता जा रहा है, और इसको पकड़ने में पूरी तरह से जो है मनोज सिंह पीछे लगातार लग रहे हैं और लगातार वो उस वोट बैंक में सेनमारी कर रहे हैं जहाँ पर ये वोट बैंक उनका बहुत जबरदस्त है, परमेंद्र कुमार के बाबू का वोट किस ओर बैठेगा कहना मुश्किल है। कर भी सकते हैं ये दोनों, जो हम बीजेपी से कह दें या कांग्रेस से कह दें, ये कर भी सकते हैं। दो दिन क्या, वह आपको कह दें कि 5 मिनट के अंदर भी क्या हो जाता है पता नहीं चलता। क्रिकेट का मैच की तरह है कि सातवें एक बॉल पर 7 रन भी लग सकते हैं। बाकी हमारे जो भी प्रत्याशी हैं वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वो जिनसे भी पूछी जा रही है वो कह रहे हैं कि जनता हमें चुनेगी, ये उनका दावा है, उनका इरादा है, विश्वास है, बहुत बड़ी बात है। और हमारी शुभकामनाएं भी साथ है। बिल्कुल, हमारी शुभकामना है सिटी न्यूज की तमाम परिवार की ओर से, ये तमाम प्रत्याशी और खासकर हम बता दें सब युवा पीढ़ी है, हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी ही मंच पर आए और युवा पीढ़ी एक अच्छे कह सकते हैं कि सत्ता का सही उपयोग कर सकते हैं, तो युवा पीढ़ी कर सकते हैं, क्योंकि देश पर जब भी आपत आया है
युवा पीढ़ी आगे बढ़कर इस आफत से निपटता है। ऐसे में नगर निगम आज आफत के, जैसे जो नगर निगम क्षेत्र है हमारा, वो बहुत सारी समस्याओं से घिरा है, यानी बहुत बड़ी आफत है इस नगर निगम पर, कह सकते हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए युवा पीढ़ी अगर आते हैं और खासकर डिप्टी मेयर पूरे जज्बा और जुनून के साथ ये आ रहे हैं, और इनके वादे जो कहें कि वादे जो कर रहे हैं और सच में इन्होंने वादे को पूरा किया, तो फिर दशा और दिशा की बात जो कहते हैं, ये पूरी नगर निगम जो हमारा है ये उभरता हुआ और इतना खूबसूरत नजर आएगा। शालिनी जी की पूरे झारखण्ड में यह नगर निगम पूरे, ये भी उनका वादा है कि पूरे, ये भी प्रत्याशी कह रहे हैं कि झारखंड की बात कह दे कि हम रांची का भी कंपेयर कर रहे हैं कि वहाँ के पार्क में और यहाँ का देख लीजिए तो आपको फर्क नजर नहीं आएगा, तो और जनता को चाहिए क्या? कुछ नहीं। और भी बता दे रहे हैं कि सबसे बड़ी, आप देख रहे हैं तमाम प्रत्याशियों ने सिर्फ पानी को अपना मुद्दा बनाया, तो सबसे पहले पानी, फिर स्वच्छ, फिर गंदगी, फिर कूड़ा और साथ में जो सरकार का मुहैया जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ, उनका पहुंचाना, गरीबों का आवास और शौचालय की सुविधा, विकास, सब चीज, सब विकास। आप बार बार देते हैं मेरा नाम विकास है, तो बिल्कुल हम विकास के कगार पे हैं और युवा पीढ़ी हमारी जागृत हो रही है, और डिप्टी मेयर के पद पर जो ये तीनों युवाएं हैं, साथ में जो आप कह रहे हैं हमारे 9 के 9 प्रत्याशी को हम कह दें वो उभर के सामने आ रहे हैं। हम इस पर नहीं बोलेंगे 9 प्रत्याशी, कई प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरने के बाद वो कभी नजर नहीं, मीडिया के नजर नहीं खोज पाई, पता नहीं कौन सा जगह पर वो अपना वोट का सेनमारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी नज़र नहीं पड़ी। लेकिन जो जो प्रत्याशी सामने, जैसे सुरेश अग्रवाल की मैंने बात की, फिर हम एक ऐसे शख्स का बात कर सकते हैं जगन्नाथ प्रसाद, निर्दलीय प्रत्याशी, लगातार उनका भी हम देखिए कुरबा चल रहा है, लगातार वो जनसंपर्क अभियान, जनता है किसे बैठा की करना मुश्किल है, लेकिन हम लेकिन तो, एक आत्मविश्वास तो सबके हम अंदर तो यही कहेंगे है। हम तो यही कहेंगे कि जनता जिसे भी बैठा है सोच समझ कर बैठा है, ऐसे ऐसे कह देंगे कि प्रत्याशी को बैठा है जो आपके लिए हमेशा उपलब्ध। और ये भी हम नहीं कह सकते हैं जो इस जंग को जीतेगा उसने कड़ी मेहनत की, नहीं, जो हमारे प्रत्याशी पीछे भी रहेंगे उन्होंने भी काफी मेहनत की है, वोट किसी एक को मिलता है मान लीजिए जीतने का, लेकिन बाकी वोट भी तो मिलते हैं, तो जनता उन पर भी भरोसा करती है। ऐसा नहीं है कि हारने वाले को अगर 10,000 वोट आते हैं तो 10,000 लोग उसके हैं, उनके शुभ चिंतक हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था कि वो भी बात होती है कि अगर वो जंग में ना आते, अगर हम हारते नहीं तो आप जीतते कैसे, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए दर्शकों, आपने सुना कि इस उपमहापौर में ज्यादा कुछ नहीं है, ये है ये तीन शख्स, या कह सकते हैं कि 2 शख्स कांटे की टक्कर लड़ रहे हैं, जेएमएम प्रत्याशी परमेंद्र कुमार बाबू और मनोज सिंह जो है, और दोनों संजोग देखिए कि दोनों नगर परिषद के मतलब निवर्तमान, एक उपाध्यक्ष है एक पूर्व उपाध्यक्ष है, ऐसे में ये 2 शख्स लड़ रहे हैं, तीसरा कहाँ, तीसरा कौन सा वोट बैंक में सेंध मारेगा कहना मुश्किल है। और इन्हें भी कह दें कि सत्ता में आने के बाद देखिए इनके रंगत क्या रहती है, क्या रंग लाती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी वादे किए हैं हमारे जनता जनार्दन से आप पूरी तरह से निष्ठा के साथ उस पर कायम रखें, तो एक बार नहीं वो आपको हमेशा के लिए दिल पे बार बार राज कराएगी, और हो सकता है इसके अगली बार भी आप। बिल्कुल, तो चलिए दर्शकों हम यहाँ पर आपसे लेते हैं विदा, और हम कल आपको फिर इसी समय इसी चैनल पर पूरी बातें साफ कर दूंगा, जनता का रुझान किस ओर है, वोट बैंक किधर किधर जा रहा है, लोगों का जुटाव किस ओर बढ़ रहा है, ये तमाम बातों से आपको अवगत कल करा दूंगा, क्योंकि कल अंतिम होंगे और परसों मतदान है। वैसे में कल हम मिलेंगे आपको इसी समय इसी चैनल पर, और हम चाहेंगे कि आप देखते रहिए सिटी न्यूज यानी खबर कितना तक। साथ ही और बता दें कि दर्शकों आपको वोट की जो गिनती होगी उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ टीवी सिटी न्यूज के सामने बैठ कर टीवी पास बैठ कर आपको देखते रहिए, पल पल की जानकारियाँ हम अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये 2 दिन भी हमारे प्रत्याशी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अभी उनके भले प्रचार प्रसार बंद हो चुके हैं, लेकिन वो अपना कारवां रुकने वाले नहीं है, वो घर घर तक जाएंगे अपनी मेहनत, और देखिए उनकी मेहनत क्या रंग लाती है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी उनके साथ हो और अपना मतदान दें, मत ना करें, मतदान दें और लोगों को जागरूक करें, आपका एक मत किसको कहां से कहां ले जाए ये कोई नहीं जानता, नगर निगम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो चलिए दर्शकों हम आपसे लेते हैं विदा, और हम फिर मिलेंगे आपको इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।